स्वागत है एक बार फिर से आप सभी व्यूअर्स का। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमें 4-डिजिट नंबर इनपुट करना है थ्रू द कीबोर्ड, यानी कि हमें 4-डिजिट नंबर को इनपुट कराना है, ठीक है। और हमें प्रोग्राम क्या लिखना है, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर, ठीक है। यानी कि आपको कोई भी 4-डिजिट नंबर इनपुट कराना है और उसकी फर्स्ट और लास्ट डिजिट का सम कराना है और उसको डिस्प्ले कराना है, ठीक है। अब जैसा कि आपने प्रीवियस प्रोग्राम में देखा था कि आपने जब सम ऑफ इट्स डिजिट्स करा था, ठीक है, 3-डिजिट नंबर इनपुट कराया था, ठीक है, फिर आपने एक रिवर्स का भी प्रोग्राम देखा था, ठीक है, तो आपने उसमें जो चीज़ अप्लाई करी थी वो सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। यानी कि आपको हर जगह एक ही तरह का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, आपको थोड़ा अपना माइंड का भी यूज़ करना है। आपको यहाँ पर डिजिट को सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, सारी डिजिट को सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना थोड़ा सा माइंड लगाकर भी इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपको फोकस करना है इसकी लास्ट डिजिट पर और इसकी फर्स्ट डिजिट पर, ठीक है, रिमेनिंग डिजिट से आपका कोई लेना देना नहीं है। तो हम इतना प्रोग्राम में क्यों इम्प्लीमेंट करें कि जिसमें हमें सारी डिजिट को सेपरेट करना पड़े। हमारा मेन फोकस फर्स्ट और लास्ट डिजिट के ऊपर रहना चाहिए, हमारा पूरा फोकस फर्स्ट और लास्ट डिजिट के ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए जो हम लोग कॉन्सेप्ट अप्लाई करने जा रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग एज यूजुअल हेडर फाइल इंक्लूड करा लेंगे, मेन फंक्शन लिख लेंगे, ठीक है। फिर अब क्योंकि हमें एक नंबर इनपुट कराना है तो हमने सपोज n एक वेरिएबल ले लिया। अब हम इसमें देखेंगे कि हमें फर्स्ट और लास्ट डिजिट चाहिए, ठीक है, तो हमने एक वेरिएबल f ले लिया और एक वेरिएबल l ले लिया और एक हमने वेरिएबल कॉमा करके s ले लिया जो हमारा सम करके रिजल्ट देगा, ठीक है। अब देखेंगे, आप कहेंगे इसमें ज़ीरो भी नहीं किया, हमने कहा बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसमें किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसा कि हम लोग पिछली बार कर रहे थे रिवर्स में, हमने रिवर्स को ज़ीरो कर लिया था और जहाँ पर सम निकाल लेते वहाँ पर हमने सम की वैल्यू को ज़ीरो कर लिया था। यहाँ पर इनिशियलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है और हमने यहाँ पर वेरिएबल भी कुछ एक्स्ट्रा ले लिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर करेंगे क्या, वही हम लोग क्लियर स्क्रीन लगा देंगे ताकि जो भी हमारे प्रीवियस आउटपुट हैं कंसोल स्क्रीन पर वो क्लियर हो जाए, स्क्रीन हमारी बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। अब यूज़र को एक मैसेज दे देते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एंटर। जैसा कि प्रोग्राम में बोला गया कि 4-डिजिट करना है, तो हम 4-डिजिट नंबर के लिए यूज़र को एक मैसेज दे देते हैं, एंटर 4-डिजिट नंबर, ठीक है। तो इससे यूज़र को पता चल जाएगा कि उसको करना क्या है। फिर ये तो सिर्फ मैसेज है, हमने जैसा कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि आपको क्या करना होगा इनपुट देने के लिए, स्कैनर फंक्शन का यूज़ करना होगा। अब क्योंकि यहाँ पर हम लोग सभी जगह इंटीजर ही ले रहे हैं तो यहाँ पर परसेंट डी फॉर्मेट स्पेसिफायर लेना होगा, और हमें पता है कि हमारा जो इनपुट देंगे वो हमारा एन के एड्रेस पर स्टोर हो जाएगा, यानी कि वो हमारी एन की वैल्यू बन जाएगी। अच्छा, इतना तो काम हो गया। फिर अब हमने मान रखा है कि सपोज़ यूज़र ने जो एन की वैल्यू है वो 1, 2, 3, 4 इनपुट करी सपोज़, ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें करना क्या है, देखिए, अब हम पहले आपको लास्ट निकाल देते हैं जो कि आप एज यूजुअल करते ही आए हैं, ठीक है। हम चाहें तो फर्स्ट भी कर सकते हैं लेकिन हम आपको वो बता रहे हैं कि जो आपने पहले कर चुके हैं। एल इज़ इक्वल्स टू क्या करेंगे आप, एन मॉडुलस 10, ठीक है। जैसा कि आपको पता ही है कि मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर देता है, और आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 10 से रिमाइंडर आपको सबसे लास्ट वाली डिजिट मिल जाएगी, तो आपको यहाँ पर एल में क्या मिल जाएगा, 4, जो कि आपको ज़रूरत भी है। आप क्या करेंगे, क्या नंबर को छोटा करेंगे, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर नंबर को छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप फर्स्ट कैसे निकालेंगे, ये सीधे सीधे देखना है आपको। तो आपको फर्स्ट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, एन और कितने डिजिट का नंबर है, 4-डिजिट का, इसलिए आपको डिवाइड कर देना होगा सिंपल सा 1000 से। अब आपको पता है कि जैसे ही हम किसी नंबर को 1000 से डिवाइड करेंगे तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। और एन हमने कैसा ले रखा है, इंटीजर, और इंटीजर अपॉन इंटीजर का रिजल्ट कैसा आएगा, इंटीजर। तो इसलिए जो हमारे 1 के बाद की जो भी डिजिट होगी, ठीक है, वो सब हमारी एक्सक्लूड हो जाएगी, यानी कि एफ में केवल
फर्स्ट डिजिट ही स्टोर होगी, तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट डिजिट क्या है, 1, यानी कि F में आ जाएगा 1, ठीक है। अच्छा, अब हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पर हमें सिंपल फर्स्ट प्लस लास्ट करना है, तो डायरेक्ट हम F प्लस L का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है, जहाँ पर हमें सेम वेरिएबल का यूज़ लेफ्ट और राइट में करना होता है इक्वल के, ठीक है, यानी कि यहाँ पर तो हमने सब डिफरेंट वेरिएबल लिए हैं, ठीक है, यानी कि लेफ्ट में हमारा एस है, उसको राइट में कहीं यूज़ नहीं करा गया, ठीक है, तो वहाँ पर हमें इनिशियल वैल्यू पर ज़ीरो करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब सिंपल सी बात, अब हमें सिंपल सा प्रिंट स्टेटमेंट लगा देना है और हमारा जो रिज़ल्ट आया है, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इज, परसेंटी कर लेंगे और कॉमा करके एस की वैल्यू प्रिंट करा लेंगे और यहाँ पर गेट सी एच फंक्शन का यूज़ कर लेंगे ताकि आपको आउटपुट उसी समय मिल जाए। बस चेक कर लीजिए कहीं सेमी कॉलन एमी कॉलन तो नहीं छूटा है, चलिए कहीं कुछ नहीं गलती है, गलती होगी तो वो बता देगा, कंट्रोल एफ नाइन। तो देखिए हमारा कंपाइलेशन हो गया है और एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट हो गया है। अब हमसे ये मैसेज में दे रहा है कि एंटर फोर डिजिट नंबर, तो सपोज़ हम 1, 2, 3, 4 ही इनपुट कर लेते हैं जैसा कि हमने मान के चले थे, तो देखिए रिजल्ट हमारा क्या आ गया, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इज़ 5, है ना। कुछ और आउटपुट भी दे सकते हैं, कंट्रोल एफ नाइन किया आपने, मान लीजिए 6, 5, 4, 3 कर दिया, ठीक है, तो यानी कि रिजल्ट आपका 9 आना चाहिए, आपका 9 आ गया, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।